मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि रिचा चड्ढा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया है और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मेरा पूरा कोशिश ये था कि मैं इसको पूरी अच्छे दिल से निभाए और पूजा दी ने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे तो होपफुली दिस विल हेल्प मी टू गेट फर्दर रोल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है और हमेशा सर हमेशा बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे पर्दे के लिए नहीं था बड़े पर्दे के लिए प्रॉपर बॉलीवुड बिग बॉलीवुड रिलीज़ था तो हर डिटेल्स बहुत ठीक तरह से जैसे पूजा दी हमेशा एक एक चीज़ सोच समझ के टाइम लेके इट्स लाइक ए बेबी फॉर इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी प्रोजेक्ट विच शी डज सो उनमें एक किरदार प्ले कर रहा हूँ चड्ढा करके तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम एस्पेशली पूजा दी एंड महेश सर एंड I was very lucky to see him work and you know have an interaction with him and also that helped me in the next movies which I did like I did couple of other movies also so abhi future mein bhi abhi ye work karne ke baad main excited tha kab release honge aur mujhe I am really excited now kyunki digital platform mein koi bhi dekh sakta hai main itna bolna chahunga ki aap bar bar dekhiye dekhne ke baad aapko pata chal jayega kaun acha hai kaun bura hai ye suspense thriller hai aur idhar Richa bhi villain ho sakta hai कुछ भी हो सकता है इधर आपको देखना चाहिए आप गुलशन देवे भी विलन हो सकता है आप यू नो गुलशन रोड विलन नहीं आपको देखना पड़ेगा मैं इतना बोलूँगा कि बहुत यू नो वी हैव बीन वेटिंग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आई एम रियली एक्साइटेड मैंने एक भी बार पूरी मूवी देखा भी नहीं है तो मैं भी सीधा Z5 डिजिटल में अपने डाउनलोड करके यू नो यूनिट के साथ देखूँगा और ये जो मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि डिफरेंट डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं मतलब क्रिकेट की दुनिया से हमने देखा बिग बॉस वहाँ पर आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट अंदाज हमें देखने को मिला देन आप कैबरे ये जो डिफरेंट डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं आप कभी सेंचुरी मैंने भगवान के शुक्र अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है पापा ने हमेशा एक ही बात सिखाया कि कोई भी चीज़ कर रहे हो आप पूरे दिल से और शिद्दत के साथ करना और भगवान की कृपा से जब मैं क्रिकेट खेलता था पूरी दिल से और पूरी शिद्दत के साथ खेलता था और केरल का एक लड़का कभी सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के मिल पाएंगे बूस का फिलअप करके मैं सोचता था कि सचिन तेंदुलकर के साथ एक ब्रेकफास्ट कर पाएंगे मगर उनके साथ खेलना उनको आउट करके एक्चुअली इंडियन टीम में आना वो सब ड्रीम कम ट्रू था जब उनके साथ वर्ल्ड कप की जब वो पकड़ा है और उनके साथ में खड़े होकर वर्ल्ड कप को पकड़ना आई थिंक इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला तो उधर से जब मैं मूवी फील्ड में आया स्टार्टिंग विद पूजा दी एंड माया सर एंड कौस्तुभ भाई एंड ऑल दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद ऑल दिस पीपल लेजेंड सो मैं इतना बोलूँगा कि आगे भी जब भी कभी भी मैं ड्रीम करता हूँ तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रीम करता हूँ तो अभी भी मेरा वही है कि शुरुआत इतना अच्छा हुआ है तो मेरा अभी 2-3 मूवी कन्नड़ा में भी किया है बिग बॉस जो भी हो खतरों के खिलाड़ी हो जो भी हो वो सब हर दिन आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट वेदर इट्स सैड whether I am happy I have given the very best and I have tried to be as real as possible jab koi bhi character bhi play kiya I have tried my very best to be as real as possible so I think that is helping me to switch on and switch off in life and that's the best answer I can give I've been god's been extremely kind